नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत दिन से मोबाइल के दुनिया में बहुत सारे रिवोल्यूशन चल रहा है, चाहे वो लंबे बैटरी को लेके हो, चाहे वो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके हो, चाहे वो फुल फ्लेज स्क्रीन को लेके, चाहे वो एक पॉपअप सेल्फी कैमरा को लेके या कुछ भी रोटेबल कैमरा को लेके। बट अभी तक से बहुत दिन से लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था, सारे टेक्निकल वर्ल्ड को जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो था अंडर डिस्प्ले कैमरा। तो दोस्तों बस ऐसे ही कुछ चीज़ अभी हम लोगों के सामने आया है, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अंडर डिस्प्ले कैमरा के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमदीप नंदी, टेकमेंट के न्यू वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले कल या उससे पहले एक दिन पहले हम लोगों के सामने एक लीक सा वीडियो सामने आया है, जिसपे आप लोग देख रहे हो कि एक प्रोटोटाइप सा स्मार्टफोन है जो एक प्लास्टिक शेल के अंदर कवर्ड अप है, बट उससे उसके सामने कोई भी नॉच नहीं है या कोई भी कैमरा नहीं है। बट जब उसको उसका जो भी फ्रंट कैमरा है उसको जब ऑन किया गया है, तो उसके सामने अगर आप लोग तो उंगली लेके जा रहे हो तो उसका मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है, आपको ऊपर का छत दिख रहा है, और उसके साथ साथ एक फोटो खींच के भी वो लोगों ने दिखा दिया। ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली ट्वीट हुआ था ओप्पो का जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर ब्रायन शेन के तरफ से, एंड उसने बोला है कि इस पे जो पिक्चर क्वालिटी है ये तो थोड़ा चेंजेस हो सकता है। अब दोस्तों बात आता है कि जो भी पिक्चर क्वालिटी इसका चेंजेस क्यों होगा, थोड़ा सा डिग्रेडेशन क्यों होगा? देखो भाई, कैमरा जो है वो कैमरा काम करता है लाइट के ऊपर। अब पहले क्या था, पहले जो होता था कि कैमरा को अगर आप कैमरे के सामने कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ को लेके आओगे तो ऑब्वियस उसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो डिग्रेडेड होगा, क्योंकि एक चीज़ के सामने अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आप करोगे तो ऑब्वियसली कैमरा को फोटो खींचने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि लाइट का जो भी रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब दोस्तों मन में ये भी बात आ सकती है कि इतना दिन हो गया, अब अचानक से क्यों अंडर डिस्प्ले कैमरा का बात आ गया, अंडर डिस्प्ले कैमरा क्यों अभी इन्वेंशन हो रहा है? दोस्तों बात ऐसा है कि इससे पहले जो होता था, इससे पहले हम लोग जो एलसीडी डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले, अमोलेड डिस्प्ले यूज़ करते थे, उसका जो ट्रांसपेरेंसी था वो उतना ज़्यादा नहीं था। बट अभी जो ओएलईडी डिस्प्ले आया है इसका ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब एकदम टोटली ट्रांसपेरेंट जो है, मतलब वो नहीं है, उस पर छोटे 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 होल है, तो उस होल के थ्रू जिसको आपको देख के लगता है एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर से लाइट जाता है और उसके थ्रू कैमरा आपका फोटो क्लिक करता है। तो ये बात ऐसा होगी कि ओप्पो ने जब अपना ये लीक किया है तो शाओमी ने भी उसके साथ साथ एक वीडियो लीक कर दिया है। ओप्पो वाला जो भी फ़ोन है, ओप्पो वाला जो वीडियो है उस पर तो खैर एक प्रोटोटाइप वाला फ़ोन है, बट जो भी शाओमी वाला फ़ोन है वो एकदम फुल फ्लेजेड, एक वर्किंग कंडीशन स्मूथ फ़ोन देख रहा है, जिसपे आपको वीडियो पर देख रहा है अभी कि इस पर दो फोन है, एक तो नॉच विथ नॉच, एक विदाउट नॉच। विदाउट नॉच वाला जो फोन है, आप जब कैमरा ऑन करेंगे ऊपर वाला जो भी पोर्शन है वो टोटल ब्लैक हो जाएगा, और उसके बाद उसके पीछे जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा आपको देख पाएगा, आपका फोटो भी खींच पाएगा। अब दोस्तों इस पर बहुत सारे रेवोल्यूशन का बाकी है, इस पर बहुत सारा चेंजेस होगा, बहुत सारा आरएनडी करना बाकी है, कैसे इसका पिक्चर क्वालिटी और अच्छे से मतलब और अच्छा किया जा सके। तो खैर इसका तो रेवोल्यूशन चलता रहेगा, इसका तो आरएनडी चलता रहेगा, डेवलपमेंट चलता रहेगा, एंड उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द, मतलब अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, फिर भी 6 महीने से 1 साल के अंदर हम लोगों के सामने ये वाला अंडर डिस्प्ले कैमरा शायद ओप्पो या शाओमी किसी एक के तरफ से तो देखने को मिलेगा। सो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है अंडर डिस्प्ले कैमरा को लेके, तो आप लोग मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, नहीं तो मेरे स्क्रीन पे दिखाया गया इंस्टाग्राम आईडी पे पिंग करके बता सकते हो। बट एट लास्ट फाइनली थैंक्स टू ओप्पो एंड शाओमी ये कॉन्सेप्ट को मार्केट पे लेके आने के लिए, इसके लिए सोचने के लिए, इसको एक प्रेजेंट टाइम पे इसको इन्वेंट करने के लिए। तो
तो उम्मीद करूंगा आपके मतलब कोई भी एक कंपनी पहले इसको लॉन्च कर ही देगा। अब सैमसंग भी है, बहुत सारे कंपनी मार्केट पे, आप देखते हैं कौन सा कंपनी इस फ़ोन को या कौन सा कंपनी सबसे पहले इस फ़ोन को मार्केट पे लेके आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।